केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट की घोषणा शुक्रवार को कर दी। रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। इस बार के नतीजों में भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह को CBSE बोर्ड की 12वीं में 500 में से 500 नंबर मिले हैं। तान्या सिंह बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। रिजल्ट आने के बाद तान्या के घर और स्कूल में जश्न का माहौल है। तान्या सिंह को हर सब्जेक्ट में ग्रेड A1 मिला है। उनके अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और हिंदी में 100-100 नंबर आए हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर का 100% रिजल्ट हुआ है। इसी स्कूल की एक दूसरी छात्रा भूमिका गुप्ता को 500 में से 499 अंक मिले हैं, जबकि सौम्या नामदेव को 500 में से 497 अंक मिले हैं। बुलंदशहर DPS के 250 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी और सभी पास हो गए हैं। तान्या सिंह बुलंदशहर के यमुनापुरम में रहती हैं। उनके पिता का नाम विजय कुमार है, जो ठेकेदार हैं। अपनी सफलता पर तान्या सिंह ने कहा कि वो बहुत खुश हैं। उनके परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। तान्या के मुताबिक इतने अच्छे रिजल्ट के पीछे टीचर और स्कूल का हाथ है। टीचर ने पढ़ाई में काफी सपोर्ट किया, यही कारण है कि रिजल्ट इतना अच्छा रहा। भविष्य के बारे में बात करने पर तान्या सिंह का कहना है कि वो UPSC करना चाहती हैं। उनका सपना IAS बनने का है। रिजल्ट की बात करें तो इस साल CBSE की 12वीं की परीक्षा में 94.54% लड़कियों ने सफलता पाई है, जबकि 91.25% लड़के पास हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93%, केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.04% रहा है। इस साल रिजल्ट में सभी जोन में त्रिवेंद्रम सबसे ऊपर है। इसके पहले नवंबर और दिसंबर 2021 में आयोजित CBSE टर्म 1 बोर्ड परीक्षा MCQ फॉर्मेट में हुई थी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। टर्म 2 परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी से जुड़े सवाल पूछे गए थे। बोर्ड ने टर्म 1 के रिजल्ट में पास, फेल या एसेंशियल रिपीट की जानकारी दी थी। फाइनल रिजल्ट टर्म 2 रिजल्ट के साथ जारी हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।